किसी ने क्या खूब कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मध्य प्रदेश का दिल, संस्कारधानी जबलपुर, जिसका चयन देश भर में स्मार्ट सिटी के रूप में 7वें नंबर पर हुआ था। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए गए, लेकिन शहर की सड़कों के क्या हाल हैं, इसकी रियलिटी चेक की लोकल 18 की टीम ने। शहर की मुख्य सड़कों को तो चकाचक कर दिया गया, लेकिन अंदर की कई सड़कें बदहाल थीं। सड़कों से गिट्टियां बाहर आ रही थी। जहां हम पहुंचे, यादव कॉलोनी और मेहता पेट्रोल पंप सड़क में। मध्य प्रदेश की सड़कों के क्या हाल हैं, इसकी रियलिटी चेक करने हम आए हुए हैं जबलपुर। इस वक्त हम मौजूद हैं यादव कॉलोनी में। आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि किस तरीके से सड़कों से गिट्टियां निकल रही हैं, और ये गिट्टियां हादसे का शिकार बन रही हैं। कहीं ना कहीं लोग प्रतिदिन इसी सड़क से आते जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये गिट्टियां लोगों को उचट कर लगती है और लोग घायल होते हैं। आप मेरे पास नज़दीक में सामने देख रहे होंगे, तमाम प्रकार के यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं, जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने भी आते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऑटो ड्राइवर भी हैं जो इस रोड पर। भैया, कितनी परेशानी आती है इस रोड पर? साइड में आओ, साइड में बता। देखिए, ये हमें बताएंगे कि आखिर जबलपुर की सड़कों के क्या हाल हैं। आप मेरे यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो बहुत पॉश इलाका है, यहाँ पर तमाम प्रकार की गाड़ियाँ हैं, तमाम प्रकार के जो वाहन हैं यहाँ से निकलते हैं, इंस्टीट्यूट हैं। नगर निगम लाख दावे करता है कि सड़कों की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जर्जर सड़कें हैं। कुछ ऑटो चालक है जो दिन भर इसी सड़कों पर घूमते हैं। यही हमें बताएंगे कि सड़क के हालत क्या है, क्या हालत है। अरे, बहुत हालत ख़राब है पूरे शहर की, कुछ कह नहीं सकते। ना रोड है, ना नाली है, ना कुछ है। कचरा भी है, टैक्स भर लेते हैं जनता से, बस ना नल है, ना नाली, ना कुछ है। ये जो सड़क है, यहाँ पर बकायदा पेच वर्क भी किया जाता है, फिर भी गिट्टी निकलती है, कैसे? कभी तो पंच वर्ष इसमें 10 वर्षों से कुछ किया ही नहीं गया है। एक बार बस इसमें 2-4 बोरी गिट्टी डाली गई है सीमेंट की, उसके बाद आज 10 साल से इस सड़क पर कुछ भी नहीं किया गया। पूरा 10 वर्ष हो गया है। MR4 से पेट्रोल पंप, मेहता पेट्रोल पंप तक बस सड़क बनाई गई, वो भी कांग्रेस विधायक थे जब बनाई गई है। उसके बाद अभी कोई भी विधानसभा में मेन रोड कोई भी नहीं बनाई गई, सिर्फ यही बस बनाई गई है कछोरा से माल गोदाम। लेकिन जबलपुर तो स्मार्ट सिटी है ना? जबलपुर तो स्मार्ट सिटी, अब इसी को तो स्मार्ट सिटी कहते हैं ना। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, और टैक्स तो जनता के ऊपर इतना ज़्यादा थोप दिया है कि जनता टैक्स दे दे के परेशान है। देखिए, ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि 8 से 10 साल बीत चुका है, लेकिन इस सड़क को नहीं बनाया गया है, लिहाजा जो नतीजा है सामने है, लोग इस सड़क पर निकलते हैं और गिर जाते हैं। कुछ लोग भी हैं, राहगीर भी हैं, जो यहाँ पैदल निकल रहे हैं, उनसे जानते हैं। मैम, प्रतिदिन आप यहाँ से निकलते हैं, सड़क के क्या हाल है? बहुत बेकार है भाई, दिख रहा है ना कितने बेकार है कि चलना मुश्किल होता है भाई। चलिए, देखिए, राहगीर भी कह रहे हैं कि जो है आपके आंखों के सामने है, यहाँ पर चलना भी मुश्किल होता है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पर कोचिंग आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, छोड़ने के लिए आते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया, स्टूडेंट को आप छोड़ने आए हैं अभी, क्या हाल है सड़कों के? सड़कें देख ही रहे तुम कितनी बुरी स्थिति में है, और त्यौहार को देख के नगर निगम को सड़कें बनवानी थी, बहुत परेशानी जाती है, आने जाने में दिक्कत होती है, और अगर थोड़ी बहुत अगर कमर में ब्रेक वगैरह है तो और बढ़ जाता है इसमें। तो इसको सोच के नगर निगम को व्यवस्थाएँ करानी थी त्यौहार के पहले। नगर निगम का तो दावा है कि शहर की सड़कें चकाचक है। दावा है तो फिर ये क्या है? आप तो खुद देख रहे हो, ये वर सड़क नहीं है। आप शहर की बहुत सी कॉलोनी में चले जाओ, और भी रोड है, वहाँ पर भी ये स्थिति है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको धनवंती नगर में जाओगे तो भी दिक्कत जाएगी, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैंने यहाँ त्यौहार के पहले तो व्यवस्थाएँ करनी थी, कम से कम कुछ नहीं, जो मलहम पट्टी वो तो करा देते। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र मिश्रा का कहना है, पैच वर्क का कार्य शुरू कर दिया गया है, आगामी दिनों में सड़कों की टायरिंग की जाएगी। ये लोग थे जो कह रहे हैं कि कम से कम त्यौहार के पहले सड़कों की मलहम पट्टी करा देते, लिहाजा तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको फैसला करना है कि जबलपुर की सड़क कितनी स्मार्ट है और कितनी जर्जर।
लोकल 18 के लिए आकाश निषाद जबलपुर।